हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, जैसा कि ये सबसे जो टॉप का छत होता है तो उसमें ये जो छोटी मोटी बातें का आपको ध्यान रखना है कि जैसे बरसात में जो बारिश होती है तो क्या होता है, आपके छत में सीलन आ जाती है, तो इसमें एक छोटी मोटी सी दरारें सी आ जाती है। ये तो वैसे ये नहीं कि आपके घर में आती है, ये 100% सबके मकान में आ ही जाती है। सबसे जो टॉप छत है उसमें धूप के कारण ये सब ऐसी दरारें आती रहती है। तो क्या आप ये छोटी मोटी दरार के लिए क्या फरस दोबारा तोड़वा के बनवाएंगे? नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देता हूं जो कि 20 से 25 रुपया में आपका ये सीलन बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये जो दरारें आ रही है, बरसात में जब लगातार बारिश होती है तो इससे क्या है, पानी जाता रहता है और आपके छत में पानी मरता है और फिर नीचे या तो पानी टपकने लगता है या सीलन से गीला हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको टिप्स देना चाहता हूं जो कि 20 से 25 रुपए में ठीक हो जाएगा। देखिए ये आपका, ये देखिए जेके व्हाइट सीमेंट है, जेके व्हाइट सीमेंट, ये केवल 25 रुपए का पैकेट आता है। और ऐसी छोटी मोटी दरारों को बंद करने के लिए आपको क्या करना है, एक पैकेट ये लेके आना है। आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलता है और केवल 25 रुपए का होता है और उसको आप इसको इस तरह से आपको बनाना है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ, ये देखिए आपको ऐसे प्लेट में ले लेना है और इसको इस तरह से बना करके इसमें थोड़ा सा पानी डालना आपको। ये देखिए इस तरह से बनेगा, ये धीरे धीरे पानी सब पी जाएगा। ये देखिए ये पी गया पानी। अब इसको हम पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब देखिए ये हो गया ज्यादा गीला, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सीमेंट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। फिर अब ये इस तरह का जब हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है। ये देखिए इस तरह का जब पेस्ट बन के तैयार हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका पेस्ट ये बन चुका है। अब देखिए मैं आपको लगाने की विधि बतला रहा हूँ। ये देखिए जैसे ये दरारें हैं तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से लगाना है। ये देखिए ये व्हाइट सीमेंट, ये बहुत समझ लीजिए कि एक तरह का केमिकल है। ये आपको जब बरसात के दिन में आप लगाओगे तो ऐसा भी नहीं कि ये बरसात, जैसे ये लगाने के बाद एक घंटे के अंदर भी अगर बारिश आ जाती है तब भी ये सेट हो जाता है। मतलब इसको सेट होने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है बस। ये इतना अच्छा जल्दी सेट होता है कि ये 10 से 15 मिनट में आपको पूरा सेट हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में लगातार बारिश हो रहा हो, पानी टपकने भी लग गया हो, सीलन आने लगा हो, तो अर्जेंट में भी आप इसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक घंटे के लिए भी बारिश छूट जाता है और आपको जहां जहां आपके छत के ऊपर ऐसा दरार सा दिख रहा है, आपको जहां से कि आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि हाँ इससे पानी जा सकता है, उसको आप इस तरह से तुरंत बंद कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ एक घंटा में आपको ये सेट हो जाएगा। एक घंटे के बाद, जैसे अभी आपने ये लगाया उसके बाद एक घंटे के अंदर बारिश हो गई, फिर भी ये सेट हो जाएगा क्योंकि इसको सेट होने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है। ये जो जेके व्हाइट सीमेंट है, कई कंपनी का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आपको लगाने का विधि यही होगा। यह देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। यह देखिए जहां जहां भी आपको दरार सी दिख रही है कहीं भी आप लगा दीजिए, इससे आपका क्या होगा, मकान में सीलन जो है बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा। आप सिर्फ छत पे ये देखना है कि कहीं ऐसी दरारें तो नहीं है, कहीं पे भी हो, छत के दीवार के बगल में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। जैसा कि देखिए आगे चल के मैं दिखा रहा हूं आपको, यह देखिए यहां से इस तरह से दरार हुआ है। यह देखिए, तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल लगा दें और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ एक घंटे का टाइम, एक घंटा का, ये तो सेट होने में सिर्फ 15 मिनट ही लगता है, लेकिन जैसे बरसात हो रहा है काफी और आपके मकान में सीलन आ गया हो और आप परेशान हैं उससे, तो अगर बीच में बारिश एक घंटे के लिए भी अगर छूट जाता है तब भी आप इसको कर सकते हैं। या देखिए ये दीवार के बराबर से भी ये दरार दिखाई दे रहा है। ये देखिए इससे क्या होता है, जैसे बारिश आई और चली गई तब तो नहीं आपको दिखाई देगा कि सीलन हो रहा, लेकिन जब लगातार 2 से 4 घंटे 5 घंटे बारिश जब होती रहती है तो इस दरार से नीचे पानी पहुंच जाता है। तो ऐसे दरार को आप ये जेके व्हाइट सीमेंट से आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये देखिए इससे क्या होगा, फिर आपके घर में चाहे वो एक दिन 2 दिन 4 दिन लगातार भी बारिश होती रहेगी
फिर भी आपका पानी जो है नीचे सीलन नहीं जाएगा और इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही सेट हो जाता है, चाहे जितना भी बारिश हो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटा के लिए भी अगर आपको टाइम मिल जाता है तो दोस्तों, अभी तो मैं आपको इतना दिखाया हूँ, लेकिन आप अपने घर में जो लगाइएगा तो आप ये देखना है, आपको कहीं भी इस तरह का दरार दिखाई देता हो आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला यहाँ से लगाया, यहाँ लगा, अब देखिए इस तरफ भी हल्का हल्का दरार है, देखिए ये देखिए इस तरफ भी हल्का, तो हम इधर भी लगा देंगे, ये देखिए। मतलब हमारा कहना का मतलब ये है कि जितना भी दरार आपको कहीं भी दिखाई देता हो आप इस तरह से लगा दें, ये नहीं कि हल्का सा छत में दरार हो गया है तो हम मिस्त्री को बुलवाएं और दोबारा उसका फर्श डलवाएं, तो आपसे आपको 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, लेकिन उससे कोई जो फायदा नहीं है आप ये, बल्कि ये काम जैसे कि आप इस साल किए फिर आप सोचिए क्या जिंदगी भर रहेगा, तो जिंदगी भर तो भैया नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि आपको एक साल के लिए बंद कर देगा, फिर अगले साल देखी जाएगी आपको कौन सा कोई ज़्यादा पैसा लग रहा है, 25 रुपये लग रहे हैं, 25 रुपये में ही आपका एक साल के लिए भी अगर सीलन बंद हो रहा है तो क्या दिक्कत है। ये देखिए इस तरह से आप अपने मकान का सीलन को रोक सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।